आप देखिए, देखो आपको मास्क गिवन है, मास्क को किस में ले जाना है बेटा, मोल्स में ले जाना है आपको। जब पता कैसे लगेगा बेटा, मास गिवन है, ग्राम लिखा हुआ होगा उसके आगे, जिसके आगे भी ग्राम लिखा हुआ होगा वो मास होगा, ध्यान रखना ठीक है। ग्राम ए इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ग्राम जिसके आगे भी लिखा हुआ होगा वो मास होगा। मास को मोल्स में ले जाने का, हमारे मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका, एन का मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपसे निकालना आता है, हमने सिखाया है, मास वो देगा तो मोल्स आ जाएंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे इसके ऊपर। मोल्स को अगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कराने लगे बेटा वो, तो क्या काम करेंगे, जो मोल्स आएंगे आपके निकलकर, जो भी मोल्स आएंगे आपके, मोल्स को क्या काम करना है बेटा, आपने मोल्स को एन ए में से मल्टीप्लाई कर देना है अवोगैड्रो नंबर से। जो भी मोल्स आएंगे आपके, उस मोल्स में एन ए से मल्टीप्लाई कर देना, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे आपके ठीक है। आपने क्या काम करना है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को किस में ले जाना है आपने, एटम्स में ले जाने हैं, एटम्स में। तो एटम्स में ले जाने का भी बेटा एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स आए बेटा, लिख लीजिए पहले इसको फ्लो चार्ट को, फिर क्वेश्चन बताऊंगा मैं इसके ऊपर, फिर समझ में आएगा। मॉलिक्यूल्स में आपने क्या काम करना है, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है आपने। अच्छा आपको मान लिया एटम्स ही दे दिए बेटा उसने, कह रहा है एटम्स को किसमें चेंज करो, मॉलिक्यूल्स में चेंज करो एटम्स को ठीक है। एटम्स को मॉलिक्यूल्स में भी चेंज करवा सकता है, उल्टा भी कर सकता है। तो वहां पर क्या काम करेंगे बेटा आप, जो आपके जो आपके एटम्स होंगे, एटम्स एटम्स को किससे डिवाइड देना है बेटा, एटोमिसिटी से डिवाइड देना है आपको। अभी देखेंगे बेटा क्या है एटोमिसिटी, ऐसे हम पढ़ा चुके हैं आपको पहले, एटोमिसिटी एटोमिसिटी से डिवाइड देना है। अगर मान लिया मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को किस में चेंज करना है आपको बेटा, मोल्स में चेंज करना है। तो मॉलिक्यूल्स को जब मोल्स में चेंज करते हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल्स को एन ए से डिवाइड दे देना है आपको, एन ए से अवोगैड्रो नंबर से। अगर आपको मोल्स को मास में ले जाना है बेटा, मोल्स को मास में ले जाने के लिए भी आपने क्या काम करना होता है, ये ऊपर वाले ऊपर से फॉर्मूला बन सकता है बेटा है, मोल्स को मास में ले जाने का। क्या काम करते हैं आप, जो मोल्स होते हैं आपके मोल्स, उन मोल्स में किसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, मोलर मास की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोलर मास की मल्टीप्लाई आपने कर देनी इस तरीके से ठीक है। अच्छा तो मॉलिक्यूल्स का हो गया बेटा फॉर्मूला, इसको भी कंप्लीट अभी कर देते हैं बेटा। एक फॉर्मूला और है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स से सपोज करो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, या इलेक्ट्रॉन से क्या, इलेक्ट्रॉन ना निकाल कर क्या निकालने हैं आपको, प्रोटॉन निकालने हैं, या बेटा प्रोटॉन ना निकाल कर क्या निकलवा रहा है वो, न्यूट्रॉन निकलवा रहा है। तो क्या इस यहाँ पर बेटा इस फॉर्मूले को थोड़ा और हम डीप ले जाते हैं, क्या है यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर रखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अभी बेटा क्वेश्चन देखूंगा तब आएगा समझ में, फिलहाल लिख लीजिए इसको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करनी है आपको, मल्टीप्लाई का निशान है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल इस तरीके से आपको कर देना है भाई ठीक है। यहाँ पर भी यही रहेगा फॉर्मूला, प्रोटॉन का भी न्यूट्रॉन का भी यही रहने वाला है फॉर्मूला ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, न्यूट्रॉन के केस में भी आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। कहने की बात क्या है बेटा, जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, बस ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन आ जाएगा, अगर प्रोटॉन का निकालेंगे और न्यूट्रॉन का निकालेंगे तो इसकी जगह न्यूट्रॉन आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब देख लीजिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से लिखिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन है हमारा, फ्लो चार्ट है बेटा आपको ये लर्न करना है ठीक है, बड़े काम का फ्लो चार्ट है, इससे आपके प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर वन कह रहा बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स, क्या क्या निकलवा रहा है, कैलकुलेट लिखा बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये नंबर लिखा शॉर्ट फॉर्म में, नंबर ऑफ एक तो मोल्स निकालना है बेटा पहली चीज, दूसरा क्या कर रहा है मॉलिक्यूल्स निकालो, ये दूसरी चीज बोल रहा है बेटा है मोल्स मॉलिक्यूल्स, तीसरी चीज भी कह रहा है बेटा किस में कह रहा है, इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, इसमें बोल रहा है बेटा इन CaCO3 ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन कैसे होना है बेटा इसका, सॉल्यूशन पहले तो पहचानो बेटा, आप में से मुझे कोई सा बताएगा ये जो 200 ग्राम जो गिवन है ये क्या चीज गिवन है, ये ऊपर के फ्लो चार्ट में से अभी बताया था बेटा मैंने, मास वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड माइक ऑफ करेंगे आप, जिसके आगे बेटा ग्राम लिखा होगा वो मास होगा, तो मास गिवन है भैया आपको ठीक है।
आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकालना है। तो मोल्स निकल जाएंगे बेटा कैसे, मास ऊपर और मोलर मास नीचे, मोलर मास आपसे आता है निकलना। जैसे ही मोल्स आया आपके तो आपके मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएंगे, कैसे, मोल्स में एन ए की मल्टीप्लाई कर देना, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। समझ लेना बेटा हम क्या बोल रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको देखो मोलर मास भी चाहिए बेटा, मोलर मास निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का, मोलर मास ऑफ CaCO3 कितना आएगा बेटा, निकाल के देख लेते हैं हम। ठीक है, कैल्शियम का होता है आपका 40, कार्बन का होता है बेटा आपका 12, ऑक्सीजन का होता है आपका 16। ओके वेरी गुड, शाबाश, कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो बेटा हमें क्या निकालना है, पहले मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है बेटा। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है आपका, 200 है बेटा, और मोलर मास कितना है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो मोलर मास है आपका 100, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएंगे मोल्स। ठीक है बेटा, ये तो मोल्स आ गए आपके जो हमें निकालने थे। और हमें क्या निकालना है बेटा, दूसरी चीज निकालनी है हमें मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा, आपका फॉर्मूला याद रखना। माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ रखें। कोई बोल रहा है कुछ, कोई कुछ कह रहा है भाई, भाई जहां प्रॉब्लम हो आप पूछ लेना। ठीक है, अब किसी को अगर बीच में प्रॉब्लम आए तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, चुपचाप मत बैठ रहना आप। फ्लो चार्ट तो याद ही करना है भाई आपको, इस फ्लो चार्ट में तो याद ही करने का है बस, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेंगे आप। मोलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, कैसे निकालते हैं, मोल से मोलिक्यूल्स, मोल में एन ए की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या इन मोल के अंदर किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए की। मोल कितने है बेटा, ये है मोल आपका एन, कितने हैं मोल, 2 है, तो बेटा एन ए की मल्टीप्लाई कर देंगे। बस एन ए को मैं एन ए लिख दूं और चाहे मैं लिख दूं 6.022 × 10³, ये भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था इसको आप छोड़ दिया करो 0.022 को, 2 6 12 आ गया बेटा, कितना हो गया 10³। ठीक है, आप देख भी सकते हैं बेटा 10³ में कितने होते हैं जीरो, कभी कहीं जाके बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा बैठेंगे जाकर 10³ में, अरबों खरबों से भी ज्यादा, हजारों करोड़ से भी ज्यादा। अगर आप उसमें से 0.022 छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आपके पास 10 अरब रुपए हैं और आपसे कहा जाए भाई 1 पैसे से भी कम पैसे हैं 0.022, 0.022 का मतलब 1 पैसे से भी कम पैसे हैं, अगर आपके ये खो जाए या आपसे कहा जाए ना छोड़ दो, तो आप छोड़ दो भाई, 1 अरब रुपए हैं, 1 अरब रुपए में अगर आपके पास ये भी है 1 पैसा है, ये तो 1 पैसे से भी कम है, बहुत कम है। आप कह जाए कि इनसे छोड़ दिया जाए 1 पैसे को, तो आप छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, मेरे पे तो बहुत रुपए हैं। तो इसी वजह से हम 0.022 को छोड़ देते हैं, इसके कंपेरिजन में 10³ के कंपेरिजन में। समझ लेना बेटा क्यों छोड़ता हूँ मैं इसको। हाँ, और आंसर पे भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको छोड़ देते हैं, ये आंसर आ गया बेटा आपका। इसमें डाउट है भाई किसी को कुछ? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, एक एक क्वेश्चन और है बेटा आपका यहीं पर, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है बेटा इसी पार्ट का, इधर लिख लीजिए। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, लिखेंगे बेटा जल्दी से, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, किस किस के बोल रहा है बेटा, कैल्शियम के कह रहा है पहली चीज, कार्बन का कह रहा है और ऑक्सीजन का कह रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो सोल्यूशन पे चलते हैं बेटा, है सॉल्यूशन, पहले देखो ये इसी में निकालने भाई, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है। मॉलिक्यूल्स तक तो आप आ गए थे, मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हैं आप, एटम्स निकाल सकते हैं बेटा, हैं, दिख रहा होगा आपको ये मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल से क्या निकाल सकते हैं आप, एटम्स ही, तो बेटा मॉलिक्यूल से क्या निकालने हैं आपने, एटम निकालने हैं। ठीक है, निकाल लीजिए बेटा मॉलिक्यूल से एटम निकालने का फॉर्मूला, देख लीजिए एटम्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एटम्स निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं उसको बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है भाई, माइक ऑफ प्लीज। एटम्स निकालने का फॉर्मूला ये लिखा हुआ बेटा आपके सामने, ऊपर ही लिखा हुआ ये रहा, कैसे निकलता है, मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी। बेटा आप जो है ना माइक ऑफ रखेंगे सभी, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो, नहीं तो मैं बिना कहो रिमूव कर दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, 15 मिनट बचे हैं, अब मैं रिमूव कर देता हूँ। कौन बोल भाई, मोहम्मद वली, आप जो है ना माइक ऑफ करो जल्दी से, कहीं ऐसा ना मैं रिमूव कर दूं। मोहम्मद वली, देखो
देखो बेटा ये फॉर्मूला है आपका मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी कर गया, आपके दिखाई भी दे रहा होगा आपके सामने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितना आए थे बेटा आपके, ये दिखाई दे रहा होगा आपको कितने हैं मॉलिक्यूल्स, 12 इंटू 10 की पावर 23। एटोमिसिटी क्या होता है बेटा, एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बेटा जिसके निकालने हैं उसी का रखने, हमें कैल्शियम के निकालने हैं बेटा, है एटम्स किसके निकालने हैं आप, कैल्शियम के निकालने बेटा। अभी सुनूंगा आपकी बात, एक सेकंड मुनीर, एक सेकंड अभी सुन रहा हूँ, कैल्शियम के एटम निकाल रहा हूँ बेटा भाई, माइक ऑफ, मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी करना है, मॉलिक्यूल्स तो 12 इनटू 10 की पावर 23 है, एटॉमिसिटी देखिए कैल्शियम की कितनी है बेटा, इसके अंदर कितने एटम है कैल्शियम के, जितने भी एटम होंगे वही एटॉमिसिटी कहलाएगी भाई, कैल्शियम के कितने एटम है, एक एटम है, तो यही एटॉमिसिटी है भाई, ठीक है। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एटम देख लो कैल्शियम के कितने हैं, कैल्शियम के कितने एटम है, एक ही एटम है, तो आंसर ये आ जाएगा भाई 12 इनटू 10 की पावर 23, ये तो कैल्शियम के एटम्स आ गए बेटा, है कैल्शियम के एटम। दूसरे देख लेते हैं बेटा किस किस के एटम्स निकालने हैं, मतलब बेटा क्या पूछ रहे थे, पूछ लीजिए जल्दी से, क्या पूछ रहे थे आप, हैंड रेज किया था, किसी ने हाथ उठाया था ऊपर को, किसी ने हाथ उठाया था बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। देखो दूसरी चीज क्या पूछ रहा है बेटा, वो एटम्स पूछ रहा है, किसके एटम्स पूछ रहा है बेटा, वो एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, एटम्स ऑफ कार्बन पूछ रहा है, फॉर्मूला यही लगाना है मुझे, मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी वाला है, इंटू एटोमिसिटी, ठीक है बेटा। मॉलिक्यूल्स देख लो बेटा कितने हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स तो वही है जो पहले थे, वही अब गए हैं बेटा, कितना आया था मॉलिक्यूल्स, 12 इंटू 10 की पावर 23, 12 इंटू 10 की पावर 23। एटोमिसिटी देखिए कार्बन की कितनी है, एटोमिसिटी का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, कितने एटम है कार्बन के भाई, दिखाई दे रहा होगा आपको कार्बन का एक ही एटम है, वन, तो बेटा ये भी यही आ जाएगा आंसर, 12 इंटू 10 की पावर 23, ये भी यही आ गया आंसर, ठीक है। अगला निकालना है बेटा मुझे एटम्स ऑफ, इसके निकालने हैं एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तीसरे मुझे निकालना है एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मूला यही लगेगा बेटा मुझे, ये वाला मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी वाला है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा आपको पता है, 12 इनटू 10 की पावर 23 है, एटॉमिसिटी देखेंगे बेटा ऑक्सीजन की कितनी है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल है आपका, कितने बेटा, तीन है बेटा, तीन है नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, तीन है यहाँ पर ऑक्सीजन तीन है, तो कितना हो जाएगा 12 3 36 इंटू 10 की पावर 23, ये बन जाएगा बेटा तीसरा आंसर आपका, जल्दी से उतार लीजिए, एक ये हो गया आपका आंसर, एक ऊपर आया ब्रैकेट में, एक ये, तीनों आंसर आ गए आपके, और देखते हैं बेटा हम जल्दी से उतार लीजिए इसको, जो डाउट तो बेटा पूछ सकते हैं आप मेरे से, ध्यान एटॉमिसिटी की डेफिनेशन हमने पहले भी ली, हाँ बेटा पूछो सर, एटॉमिसिटी हो गया मतलब एटम की संख्या, हाँ एक मॉलिक्यूल में एटम की संख्या, ठीक है लिख लेना इसको भाई साइड में कहीं पर, एटॉमिसिटी हमने पहले लिखवाई है आपको बेटा, क्या लिखवाया, एटॉमिसिटी लिखवाया नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल नोन एज एटॉमिसिटी, ये एटम की संख्या जो ये बोल रहा है ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर में कौन न्यूमेरिकल नहीं है भाई, दूसरा लिख लीजिए बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4, ये दिया बेटा उसने है, ये निकालने हैं बेटा, सिंपल सी चीज है बड़ा जबरदस्त तरीके से निकालेंगे बेटा, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, आपको बेटा फ्लो चार्ट अगर आपके याद है पहले बताओ क्या गिवन दिया है भाई आपको, क्या गिवन है, मास दिया है बेटा, मास गिवन है, मास से मोल निकालेंगे, मोल से मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल से फिर नीचे को आगे हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन ही उसने पूछे हैं, इस तरीके से हम चलते हैं बेटा, जैसे सॉल्यूशन देख लेते हैं, पहले मास से क्या निकालेंगे, मोल्स, अब बेटा मोल्स का फॉर्मूला डायरेक्ट अगर आपके याद है तो निकाल दो, नहीं याद है तो नहीं निकालना है, ऊपर लिखा हुआ है मैं लिख नहीं रहा हूँ, मास अपॉन मोलर मास होता है, मास कितना है 1.6, मोलर मास हमने निकालना सिखा है CH4 का 16 होता है अगर आपको याद हो, जब डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा मोल्स आगे, अब मोल्स के बाद क्या निकालना है आपको, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, जो भी हमने बताया था मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिखा हुआ है बेटा क्या, एन इंटू एन ए,
एन कितना है आपका 0.1, और एन ने आपके याद है बेटा कितना होता है 6 × 10³ कितना आ जाएगा बेटा 6 × 6 × ये पॉइंट हटाओ आप, नीचे क्या काम कर सकते हैं 10 लगा सकते हैं, जब 10 ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा भाई 10³ × 10⁻¹ हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 × 10⁻², ये आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा आपके, लेकिन आपको क्या निकालने थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी आपको सामने लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं भाई माइको, मॉलिक्यूल्स को तो मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने हैं भैया आपके सामने 6 × 10³, ये तो मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स में किसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो CH4 में कितने हैं भाई, इस CH4 में बेटा जितना जितना एटॉमिक नंबर होगा ना उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल के केस में एटॉमिक नंबर कितना है इसका कार्बन का 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ रहे भाई कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन आए इसमें, एक बार और सुन लीजिए क्या कहा मैंने, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 और 4 10 आ गए भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हमें ये करना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने थे इन इन वन मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल कितने बेटा 10, तो कितना आ गया बेटा 6 × 10⁴ ये इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा जो हमें निकालने थे, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 1.6 ग्राम ऑफ CH4 में, आया भाई कुछ कुछ समझ में? यस सर। ठीक है लिख लीजिए इसको जल्दी से, ये कुछ गड़बड़ हो गई भाई, एटॉमिक नंबर लिखना था हमें, एक बार और चेक करता हूँ बेटा मोल्स देख लीजिए, मोल्स का क्या है मास अपॉन मोलर मास, ये तो 0.1 आया, मॉलिक्यूल्स का कितना था n × n 6 × 10⁻², ठीक है बेटा सही है हमारा, ठीक है अब कर दे बेटा इसको। यस सर। एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का बेटा, एक बार और चेक करो इसको, मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही, देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या है मास अपॉन मोलर मास, मास तो ये दिया था 1.6, मोलर मास 60, तो 0.1 हो गया, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है n × Na, एन कितना है 0.1, एन ने कितना आया और आपका 6 × 10³, जब मैं 10 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 23 में से एक गया, कितना बच गया है 22 बच गया आपका, ठीक है यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या काम करना है, यहाँ 22 नहीं आना 23 नहीं आना भाई, क्या आएगा यहाँ पर 22 आना, यही गलती हो रही है आपसे, ठीक है आंसर मैच नहीं कर रहा था मेरा, समझ रहे भाई, आपको ये करना था बेटा मॉलिक्यूल्स से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखने थे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लो कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 6 × 10⁻², ये आए थे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके, ये रहे देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में किसकी मल्टीप्लाई करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कितने हैं 10, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए, इस तरीके से करना है भाई आपको, ठीक है अब सही हो गया, जब आप करेंगे तो 23 आएगा भाई, 24 आकर कितना आएगा ये 23 × 10³, इस तरीके से, समझ रहे भाई आप, हेलो डाउट है भाई किसी को? यस सर। डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। हाँ बेटा एक क्वेश्चन और दूंगा मैं ग्राम दूंगा आपके, और ग्राम से आपको यानी कि मास दे दूंगा और एटम्स पूछूंगा आपसे, तो मास से आपको मोल्स में ले जाना है, मोल से मॉलिक्यूल्स में ले जाना है, मॉलिक्यूल से फिर एटम्स में ले जाना है आपको, समझ रहे ना भाई, फॉलो चार्ट है बेटा, इससे आसान हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है हमें सोल्व करना क्वेश्चन कोई सा भी, जैसे क्वेश्चन है आपका लिख लीजिए बेटा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, किस किस के निकालवा रहा है बेटा वो, यूं कह रहा है वो निकालिए किस किस के, एक तो बोल रहा है बेटा वो कार्बन के कोमा हाइड्रोजन के बोल रहा है, ठीक है एंड हाइड्रोजन, ठीक है बेटा एंड ऑक्सीजन के बोल रहा है बेटा, ठीक इन इसमें कह रहा है बेटा 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज ये बोल रहा है बेटा, सुक्रोज का फॉर्मूला हमने आपको लिखवाया था, अगर आपके याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन, ये सुक्रोज का फॉर्मूला लिखवाया था हमने C2L H22O11, हमने कहा था ये याद भी करना है भैया आपको, सुक्रोज का फॉर्मूला है ध्यान रखना, तो बेटा आपको मास गिवन है, मिलीग्राम भी मास ही होता है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको मोल्स, मोल से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से एटम्स,
एटम्स ही निकलवा रहा है, एटम्स आ जाएंगे, समझ लेना भाई। और कल आप फ्लो चार्ट याद करके आएंगे, आज तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मास से एटम की तरफ को, कल से पीछे को भी जाएंगे बेटा है, एटम से वो मास भी निकलवा सकता है, एटम देकर मॉलिक्यूल्स भी निकलवा सकता है, मोल्स भी निकलवा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी निकलवा सकता है, कुछ भी देकर भाई। आपके फ्लो चार्ट याद होना चाहिए जैसे मेरे याद है। क्या दिया बेटा उसने आपको? उसने दिया है आपको मिलीग्राम, मास दिया है भाई, ग्राम है, और मास से आपको एटम निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? पहले आप मोल्स निकालो, मोल से मॉलिक्यूल निकालो, मॉलिक्यूल से फिर एटम्स निकालते हैं। निकालिए बेटा मोल्स निकालते हैं, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखेंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लिखा है मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है अगर आपके ध्यान हो, ये दे रखा मास, ये 6.84। अच्छा एक चीज और है, ये तो मास हो गया, मोलर मास कितना होता है भाई? सुक्रोज का निकाला था आपने कल परसों, कितना निकाला था देख के बताओ जल्दी से। 342 से चेक कर लेना उसको बेटा, आप 342 आया था बेटा है, मास अपॉन मोलर मास। एक चीज सुनो बेटा, ये तो होता है ग्राम में मोलर मास, तो ऊपर वाला भी क्वांटिटी हमारी ग्राम में होनी चाहिए बेटा, और वो है मिलीग्राम में 6.84। आप नीचे वाले को चेंज नहीं कर सकते बेटा, नीचे वाले को चेंज नहीं करनी है, क्योंकि तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये ग्राम में रहने वाली है हमेशा, मिलीग्राम में मत ले जाना इसे गलती से, स्टैंडर्ड वैल्यू है भाई, ये उन्होंने बना दिए ग्राम में, बनाओ आईपीएससी ने बना दिए ग्राम में, बताया मोलर मास तो मोल ग्राम में लिखा है, अब मिलीग्राम में मत चेंज कर देना। हाँ जो ऊपर वाला मिलीग्राम दे रखा उसको ग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। बताओ बेटा जब मैं इसको ग्राम में ले जाऊंगा क्या काम करूंगा? 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से कर देते हैं भाई, ठीक है? आया भाई कुछ समझ? डाउट है किसी को इसमें? बेटा मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं, भी ग्राम हो गया, मिलीग्राम को जब ग्राम में बदलते हैं 10^-3 से मल्टीप्लाई, इतना आना चाहिए भाई आपसे, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना, मिलीग्राम को ग्राम में बदलना, ये छठी क्लास में सिखाया जाता है, यहाँ इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस कल बता दिया था मैंने छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे बदला जाता है, देख लेना वीडियो। क्यों करा बेटा ऐसा? क्योंकि अगर नीचे वाली क्वांटिटी ग्राम में है तो ऊपर वाला भी ग्राम में लेना पड़ेगा मुझे, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा, कितनी बार चलेगा? दो बार चल रहा है अगर आपको ध्यान हो, तो 342 को इसमें कितने, पहले तो पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा कर क्या लगा दो, एक, और पॉइंट के बाद दो है नंबर, तो दो जीरो लगा दिया यहाँ पर, और ये कितनी बार चल रहा बेटा? दो बार, इतना आ गया 2 आ गया बेटा आपका, ठीक है? आप ये 100 को जब ऊपर लेके जाएंगे ना, तो 10^-3 तो ऑलरेडी था, और 10^2 ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2×10^-5, इस तरीके से आएगा भाई आपका। जिसको डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, वैसे ही मत बैठे रहना, अरे फ्लो चार्ट याद करके आना कल जब आओगे, इसके ऊपर क्वेश्चन कराएंगे भैया फ्लो चार्ट के ऊपर। ये तो मोल्स आ गया आपके, मोल्स के बाद क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है? N into Na देख लो कितना आया बेटा आपका, यह आया 2×10^-5, ये तो N आ गया। अब आपको Na लिखना है बेटा, Na कितना है आपका बता रखा, ये तो N है भाई, Na मैंने बताया होता है 6×10^23, ये Na है भाई आपका, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दो, 2×6=12 आ जाएगा, जब बेटा इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो घट जाएंगे, 23 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा भाई आपका 10^, कितना बचेगा भाई बताएगा कोई? 18। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स आ गए भाई आपके, आपको मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने थे, आपको क्या निकालने हैं? आपको एटम्स निकालने भाई, एटम्स, एटम्स देखते हैं कैसे निकलते हैं एटम्स, एटम्स का भी निकलने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स में एटोमिसिटी की मल्टीप्लाई करनी है भाई। मॉलिक्यूल्स देखो आपके कितने आए हैं, मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ आए हैं भाई, अगर आपको दिखाई दे रहे हो कितने, 12×10^18 ये तो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स में किसकी मल्टीप्लाई करनी है? एटोमिसिटी की। पहले मैं कार्बन की निकाल रहा हूँ बेटा, बताओ एटोमिसिटी कितनी है कार्बन की? ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए, एटोमिसिटी बताइए कार्बन की कितनी है भाई? कितनी है? 12 है सर। 12, शाबाश, तो बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 12 की, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 144×10^18 एक तो याद आएगा भाई आंसर हमारा, कार्बन के एटम आ गए बेटा। अब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने बेटा मुझे है, एटम्स किसके एटम्स? हाइड्रोजन के एटम, ठीक है? वही करना है, मॉलिक्यूल्स इनटू एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल्स आपके निकले हुए हैं ही ऑलरेडी, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए भाई आपके। एटोमिसिटी बताओ हाइड्रोजन की कितनी एटोमिसिटी? 22
वेरी गुड, शाबाश। कितना बेटा 22। आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 24 12 2 24 और 2 26, ये आ गया बेटा 10 की पावर 18। एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एक आंसर आपका ये आया और दूसरा आंसर क्या था बेटा आपका, एक आंसर ये आया था आपका, 2 आ गए 264। ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने भैया आपको है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या काम करना है बेटा आपको। बेटा किसी के अगर नहीं भी समझ, लेक्चर जो पहला दिन है ना जिसका देखना है, उसको भी समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये जो आपका फ्लो चार्ट सा लिखा हुआ है इसी को अप्लाई कर रहा हूँ हर जगह, हर बार हर क्वेश्चन में यही और फ्लो चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। देखो क्या होता है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी, ये तो मोलिक्यूल्स हो गया आपके, ये तो मोलिक्यूल्स हो गया। एटोमिसिटी बताइए कितनी है भैया, तो मोलिक्यूल्स हो गया आपका ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 11। मल्टीप्लाई कर दो बेटा है, 12 12 12 12 और 1 13, ये आ गया 10 की पावर 18 आ गया बेटा आपका, 10 की पावर 18 ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, 10 की पावर 18, 132 × 10 की पावर 18 आ जाएगा भाई, ठीक है, ये आपको सोल्व करना है इस तरीके से। उम्मीद है बेटा आप कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाते हैं। तब कर दी इसको, यस सर, हाँ तब कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, सोल्व करके देखना है। क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, देख लेते हैं हम। देखो यूं कह रहा बेटा, क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिए बेटा व्हाट वेट, जल्दी से व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन, लिख लीजिए बेटा जल्दी से, शुड बी टेकन, चलो तो थोड़ा भारी हो जाएगा भाई, सिंपल सा थे कम है, कल देखेंगे इसको, हल्का सा क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं, छोड़ देना भाई, अगला सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ये क्या रहा बेटा है, बड़ा सिंपल सा है, सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमारे पास 1.5 मिनट बचा भी है, 2 मिनट हो जाएगा आराम से। देखो क्या करना है भाई आपको, क्या चीज गिवन है भाई आप ही बताओ जरा, आप ही बोलो, हो जाएगा जल्दी से, क्या निकालना, क्या हो रहा है, मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, कैसे करेंगे बेटा, मास का पहले किसमें कन्वर्जन करेंगे, मोल्स में, मोल्स में, वेरी गुड, और मोल्स से क्या बनाएंगे फिर, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वेरी गुड, बस बस इतना भी पता है बेटा तो काम हो जाएगा आपको, पहले मोल्स निकालने हैं हमें, मोल्स जल्दी से लिख लीजिए बेटा, टाइम नहीं बचेगा एकदम खत्म हो जाएगी वीडियो। मोल्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो अगर आपको दिखा, लिखा हुआ क्या है, मास और मोलर मास, ये मास है मोलर मास, बताइए बेटा H2SO4 कितना होता है, जल्दी से देख के बताइए, हमने लिखवा दिया था 98 होता भाई, निकाल लेना आप, ठीक है, कितना आएगा 1/2। एक क्या निकालना है आपको, मोलिक्यूल्स निकालना है, निकाल के दिखाओ H2SO4 का मोलिकुलर मास ऐसे आएगा, देखो 1, 2 की मल्टीप्लाई कर देना, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 4 की मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह कर देना 98 आ जाएगा भाई, जब आप इसको सोल्व करेंगे मोलर मास आ जाएगा 98, ठीक है, H2SO4 का मोल्स, मोल्स आगे बेटा, मोलिक्यूल्स निकालने, मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स कैसे होगा बेटा, मोलिक्यूल्स में एन इंटू एन ने करना है, ये तो एन है और ये तो एन हो गया बेटा एन, इसमें एन ए की मल्टीप्लाई करनी है वाला फॉर्मूला लगा रहा मैं, कितना होता है 6 × 10 की पावर 23, जब 2 से बेटा 6 को डिवाइड करूंगा 3 आएगा, कितना का 10 की पावर 23, आया भाई समझ में सर। बेटा ये बताओ मुश्किल है क्या आज का लेक्चर, मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आपके ये चार्ट याद है ना, ये वाला चार्ट, अगर ये चार्ट याद है फिर कुछ मुश्किल नहीं है, अगर ये याद नहीं है, देखो अगर चार्ट याद है ना फिर आपको गुणा और भाग ही करना है और दूसरी चीज नहीं करनी, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना, कुछ या तो गुणा करवा रहा हो या भाग करवा रहा पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करवा रहा, अगर आपके ये चार्ट याद है तो आपको ये चार्ट याद करना है आज कल, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, समझ रहे भाई, जिसकी समझ में नहीं आया कुछ भी नहीं समझ में आया।